हेलो दोस्तों, आज का ये खूबसूरत सा डिज़ाइन बनाने के लिए हमने यहाँ पर एक मैचिंग कपड़ा लिया हुआ है और प्रिंटेड कपड़े पर अपनी कुर्ती की कटिंग की हुई है। देखिए, ये प्रिंटेड कपड़ा हमारी कुर्ती का जो है बहुत ही खूबसूरत है। इसी प्रकार से दोस्तों, आप भी प्रिंटेड कपड़ा अच्छे से अच्छा ले लें, क्योंकि इस नेक डिज़ाइन का जो लुक है प्रिंटेड कपड़े पर बहुत ही खूबसूरत आने वाला है। इस नेक को बनाने के लिए दोस्तों हमने बुकरम भी ली हुई है, जिस पर हम अपना नेक काटेंगे। और अगर आपको और भी ज़्यादा खूबसूरत खूबसूरत नेक डिज़ाइन चाहिए तो आप हमारी वेबसाइट पर विजिट ज़रूर करें, जिसका नाम है www.rooffashionpoint.com। यहाँ पर आपको ब्लाउज़ के डिज़ाइंस, कुर्ती के डिज़ाइंस और आप अपनी फेवरेट एक्टर्स के आउटफिट्स के बारे में भी जान सकते हैं। तो डिज़ाइन को बनाने के लिए हम सबसे पहले बुकरम पर अपना नेक काटते हैं। तो दोस्तों, नेक काटने के लिए हमने जो अपनी बुकरम ली है, तो इसकी लंबाई है 7 इंच और चौड़ाई है 15 इंच। इसको हम इस तरीके से डबल फोल्ड कर लेंगे, देखिए। और फोल्ड करने के बाद में हम अपने नेक की चौड़ाई का और लंबाई का निशान लगाते हैं। तो हमारे नेक की जो चौड़ाई है वो है 7 इंच, तो 7 इंच का हाफ करके 3.5 पर मार्क लगाएंगे हम। और लंबाई हम अपने हिसाब से रख रहे हैं 3 इंच, आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमने कुछ इस प्रकार की अपनी सेप भी लगा दी है। अब आपको क्या करना है दोस्तों, इस सेप से बाहर की तरफ 2.5 इंच पर एक मार्क लगाना है, मतलब कि 2.5 इंच पर, इसी निशान से बाहर की तरफ। तो ये हो गई हमारी मार्किंग। अब आपको क्या करना है, आधा इंच का मार्क और लगाना है सेम गोलाई में बाहर की तरफ, इस निशान से भी। अब आपको यहाँ पर इसकी कटिंग कर लेनी है। तो कटिंग करते वक्त दोस्तों आपको क्या करना है, जो ये अंदर वाला मार्क है, इस मार्क में अंदर की तरफ को 1/4 इंच का मार्जिन छोड़ते हुए इसकी कटिंग करनी है। तो देखिए दोस्तों, ये हमारे नेक की कटिंग कुछ इस प्रकार से हो गई है। देखिए, एक नेक तो हमारा कुछ इस प्रकार से इतना बड़ा निकला है और एक नेक हमारा इस प्रकार से इतना बड़ा निकला है। अब हम क्या करेंगे दोस्तों, सबसे पहले तो अपने इस बड़े वाले नेक को बनाएंगे। तो बड़े वाले नेक को कुर्ती के ही सेम कपड़े पर रख के चिपका के सिलाई मार के नॉर्मल तरीके से कुर्ती में बना लेंगे। और इसके बाद दोस्तों, इस नेक को हम प्रिंटेड कपड़े पर चिपका लेंगे। तो देखिए दोस्तों, हमने अपने नेक को नॉर्मल तरीके से कुर्ती में बना लिया है। और इसके बाद दोस्तों, हमने अपने छोटे वाले नेक को भी कुर्ती के ही कपड़े पर चिपका लिया है। इसके बाद दोस्तों, इसको और भी ज़्यादा खूबसूरत करने के लिए आपको क्या करना होगा, कुछ पीसेस लेने होंगे। इन पीस की लंबाई और चौड़ाई इस प्रकार से है, 5 इंच चौड़ाई में है और 4 इंच लंबाई में है। तो दोस्तों, आपको इन पीसेस में भी थोड़ी मार्किंग करनी होगी। किस प्रकार से करेंगे, पहले आप ले लीजिए इनमें से 2 पीस, इस प्रकार से 2 पीस लेने के बाद में दोस्तों, आपको ये जो चौड़ाई इनकी 5 इंच है, 5 इंच वाली चौड़ाई में से इसको आपको इस तरीके से फोल्ड कर लेना है। और फोल्ड करने के बाद इस तरीके से हल्की सी आप प्रेस लगा लें। बस प्रेस लगाने के बाद दोस्तों, आपको क्या करना है, नीचे से आपको 1-2 इंच पर मार्क लगाना है। ये देखिए, ये 2 इंच पर मार्क लगा दिया। इसके बाद आपको ऊपर की तरफ जो मार्क लगाना है वो लगाना है 1.5 इंच पर। और इस प्रकार से आपको इस निशान को सीधा कर देना है। ऐसे ही सेम आपको 2 पीसों पर करना है, सिर्फ इस पे और इस पे, बस। अब इसके बाद बाकी के पीसों पे आपको क्या करना है, जो कि आपकी ये बाकी पीस हैं, इनमें भी आपको इस तरीके से फोल्ड करना है ऐसे। और फोल्ड करने के बाद प्रेस लगानी, नीचे की तरफ आपको वही 2 इंच पर मार्क लगाना है। और ऊपर की तरफ दोस्तों, अब आपको 1 इंच का मार्क लगाना है बस, और इसको सीधा कर देना है। इस तरीके से दोस्तों, आपको बहुत सारे पीस बनाने होंगे। तो यहाँ पर हम अपने बाकी सारे पीस इसी तरीके से बना लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, हमने अपने सारे पीसेस पर मार्किंग कर ली है। ये वो वाले पीस हैं दोस्तों, जिन पे हमने मार्किंग नीचे की तरफ 2 इंच और ऊपर की तरफ 1.5 इंच मार्किंग की है। और ये वो वाले पीस हैं जिन पे हमने 2 इंच की मार्किंग नीचे की तरफ और 1 इंच की मार्किंग ऊपर की तरफ की है। दोस्तों, इन सारे पीस को बनाने का तरीका एक ही होगा, तो हम आपको एक पीस बनाकर दिखा देते हैं। सबसे पहले दोस्तों, आपको क्या करना होगा, इस मार्किंग पे सेम सिलाई लगा लेनी होगी। और सिलाई लगाने के बाद में दोस्तों, आपको इसमें मार्जिन थोड़ा इस तरीके से कम कर देना है। और कम करने के बाद दोस्तों, आप इसको इस तरीके से पकड़ेंगे, और पकड़ने के बाद इसका जो मार्जिन है वो आप नाखून से इस तरीके से चीर दें, या आप इसे प्रेस से भी अलग अलग कर सकते हैं।
और करने के बाद दोस्तों आप इसको इस तरीके से फोल्ड कर दें। फोल्ड करने के बाद दोस्तों जो ये आपका जॉइंट वाला हिस्सा है, इस जॉइंट वाले हिस्से को आपको 20 सेंटर में लेना है। इस तरीके से आपको ये फोल्ड कर लेना है। ये देखिए इसी तरीके से दोस्तों हम अपने बाकी सारे पीसेस भी बना लेते हैं। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर हमने अपनी सारी पट्टियाँ इस तरीके से बना ली हैं और ये हमारी वो दो पट्टियाँ हैं, इनको अलग रखना है आपको। इसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है, आपको लेना है अपना ये वाला नेक। तो इसमें आपको क्या करना है, आपने जो ये अपना क्वार्टर इंच का मार्जिन छोड़ा है, इस मार्जिन को लेते हुए आपको एक सिलाई लगा देनी है जो कि आपको सीधी तरफ नज़र आए। तो ये देखिए ये हमारी सिलाई यहाँ की तरफ नज़र आ रही है। अब आपको क्या करना है, बाहर की तरफ बुकरम के बराबर में अंदर से सिलाई लगा देनी है। तो दोस्तों ये सिलाई लगाने का आपका फ़ायदा ये हो गया कि अब आपको ये पता रहेगा कि आपका जो पैटर्न है वो कितना चौड़ा तैयार है। अब आपको इस तरीके से आपके अपने पैटर्न को इस तरीके से रख लेना है और रखने के बाद जो आपने ये 1.5 इंच की पट्टियाँ बनाई हैं पहले, तो इनमें से एक पट्टी आप यूज़ करेंगे सबसे पहले। तो यहाँ पर आपको एक पट्टी को इस तरीके से सेट करना है, थोड़ी ऊपर की तरफ निकाल दें निशान से और थोड़ी नीचे की तरफ। तो इस तरीके से यहाँ पर हम इसको सेट करेंगे और बीच में थोड़ी सी हल्की सी लूजिंग भी देंगे, इसी प्रकार से आपको भी देनी होगी। तो हम यहाँ पर इसे सिलाई मारकर पहले नीचे की तरफ से अटैच करेंगे। अब आपको ले लेनी है वो वाली पट्टी जो कि ऊपर की तरफ 1 इंच है, नीचे की तरफ 2 इंच है। ये दोस्तों अब आ गई आपकी 1.5 इंच वाली, ये लास्ट वाला पीस है। आपको 1.5 इंच वाला इस तरीके से यहाँ पर लगा देना होगा, सेम इसी तरीके से जैसे ये लगाया गया है। तो दोस्तों ये तो हो गई हमारी बाहर की तरफ से पट्टियाँ इस तरीके से अटैच। अब आपको दोस्तों इनमें लूजिंग देने के लिए क्या करना होगा, एक बहुत ही बढ़िया फार्मूला हम आपको बताएंगे। इसके लिए दोस्तों आपको एक भरी हुई रील ले लेनी होगी जो कि बिल्कुल न्यू ब्रांड होगी। इसको आपको पट्टी के नीचे इस प्रकार से 20 सेंटर में रखना है और रखने के बाद में आपको जितनी लूजिंग देनी है इतनी यहाँ पर हमारी तैयार आ गई है। तो यहाँ पर आपको ये वाली सिलाई अपनी देख लेनी है, इसी सिलाई के ऊपर इसको सिलाई मार के अटैच कर देना है। पट्टियाँ अटैच करने के बाद में दोस्तों आप इसे कर लें उल्टा, और उल्टा करने के बाद में जो ये आपका क्वार्टर इंच का मार्जिन है इसको आपको थोड़ा सा मार्जिन छोड़ते हुए बिल्कुल बारीक सा कटिंग कर देना है सब। तो ये देखिए यहाँ पर हमने इस तरीके से इसको कटिंग कर लिया है। और इसके बाद दोस्तों आपको लेना होगा एक गोल्डन कलर का कपड़ा और इसको हम इस तरीके से यहाँ पर रखेंगे और रखने के बाद में जो ये हमने मार्जिन छोड़ा है इसको लेते हुए सिलाई लगा देंगे। इसके बाद दोस्तों आपको ये अंदर वाला कपड़ा भी बिल्कुल सिलाई से मिलाकर कट कर देना है। और कट करने के बाद में दोस्तों आपको इसको इस तरीके से कपड़े को अंदर की तरफ फोल्ड करना है और यहाँ पर इस तरीके से आपको ये पाइपिंग भी निकाल देनी है। इसके बाद दोस्तों हम पाइपिंग के बराबर बराबर सिलाई लगाकर पाइपिंग को कंप्लीट करेंगे। तो देखिए दोस्तों बहुत ही फिनिशिंग के साथ हमारी यहाँ पर पाइपिंग भी निकल आई है। अब आपको क्या करना है, बाहर की तरफ जो ये आपका कपड़ा है, ये जो आपके ऊपर वाला कपड़ा है इससे मिलाकर इसको सिलाई लगाकर नीचे वाले कपड़े को भी अटैच कर देना है। और एक्स्ट्रा कपड़े को आपको कट कर देना है। तो ये आपका पैटर्न बिल्कुल तैयार है कुर्ती में अटैच होने के लिए। अब हम लेंगे अपनी कुर्ती। तो ये हमारी कुर्ती है और ये हमारा पैटर्न है। पैटर्न को हम पहले नीचे रखेंगे और उसके बाद हम अपने नेक को इस तरीके से पैटर्न के ऊपर सेट करेंगे। सेट करने का हिसाब दोस्तों ये रहेगा, देखिए ध्यान से, जो ये आपने पैटर्न के अंदर सिलाई लगाई हुई है पट्टियों को अटैच करने के लिए, इस सिलाई को छुपाते हुए ही आपको अपने नेक को इस वाले को अटैच करना होगा। तो हम यहाँ से इसको अटैच करना शुरू करेंगे और लास्ट तक इसको अटैच कर देंगे। तो दोस्तों ये तो हो गया हमारा नेक अटैच।
अब आपको इस नेक को और भी ज़्यादा खूबसूरत करने के लिए कुछ इस प्रकार के बीट्स ले लेने होंगे और अपने हाथ वाली सुई ले लेनी होगी, जिसमें डबल धागा डाल के चार परता धागा आपको कर लेना है और नीचे की तरफ आपको गांठ लगा लेनी है। तो अब हम क्या करेंगे, इसे और भी ज़्यादा खूबसूरत करने के लिए अपनी एक पट्टी की किनारी से सुई को इस प्रकार से इस तरीके से निकालेंगे और निकालने के बाद एक बीट्स हम इस तरीके से सुई के अंदर डालेंगे और डालने के बाद पट्टी की दूसरी वाली किनारी पे इस तरीके से सुई को फिर से निकालेंगे। निकालने के बाद देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमारी जो पट्टी है वो कुछ इस प्रकार से बनकर तैयार होगी। तो यहाँ पर हम अपनी सुई से एक बार इसे और पक्का कर देंगे। यहाँ पर दोस्तों आपको फंदा लगा के पक्का करना है। तो ये हमने यहाँ पर इसको पक्का कर दिया है। इसी तरीके से दोस्तों हम अपनी सारी पट्टियों में बीट्स अटैच कर देंगे और पूरा कंप्लीट कर देंगे डिज़ाइन को। देखिए दोस्तों, मोती लगाकर हमारा जो डिज़ाइन है बहुत ही खूबसूरत बनकर तैयार हो गया है। आपको हमारा आज का ये नेक डिज़ाइन कैसा लगा ये आप हमें कमेंट करके ज़रूर ज़रूर बताएं। और साथ ही अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको भी जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और घंटी के आइकन को क्लिक ज़रूर कर लें, ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। दोस्तों, अगर आपको किसी कारण से नोटिफिकेशन नहीं भी मिल पाती है तो कोई घबराने वाली बात नहीं है, क्योंकि आप हमें हमारी वेबसाइट पर भी फॉलो कर सकते हैं, जिसका नाम है www.rooffashionpoint.com।